तो यही चलता है दिन भर, काम धंधा कुछ है नहीं। आशा वर्कर का काम था, वो भी हाथों से जाता दिख रहा है। वकील साहब का तो कहना है कि हम केवल इसी बयान को ज्यादा देख रहे हैं कि वो कौन होती है बताने वाली कि सचिन गर्भवती कर पाएगा उनको या नहीं। देखिए मेरे नॉर्मल शब्द हैं, मैं गांव से रहने वाली हूँ थोड़ा, तो गांव में ये सब लप्पू झिंगूर के लकड़िया के ढांचे ये सब बोलते रहते हैं, नॉर्मल से भी बढ़ रहे हैं। वकील महोदय कुछ भी कह देंगे तो ये गलत है ना। मिस्टर एपी सिंह ऐसे नहीं अफवाह उड़ाइए गलत। सीमा के चार सिर हैं, छह हाथ पैर हैं क्या? पूर की परी अप्सरा है क्या? है सीमा में ढिंगरा मस्ती, तो एक तो पड़ोस में से लेके गए कि चलो देख के आएंगे। हम भी गए मिल के, भैया ऐसा क्या अजूबा है, वो तो मिली ना, वीडियो वायरल हो गई हमारी। और उसके बाद सीमा के लिए भी आपने बयान दे दिया कि वो बंदरिया सी है, कुतिया की पूंछ जैसी है। तो यहाँ से तो फिर जैसे वो भाग के आई है चार बच्चों को लेके, उसका हैदर का घर बेचारे का बर्बाद कर आई, जमीन वगैरह जो भी कुछ लिया सब बेक ही आई। अगर वो ही बेक के अपने बच्चों के फ्यूचर में लगाती तो कितना बेहतर रहता। तो क्या भारत की जनसंख्या बढ़ाने आई है? बनाने आई है, मैदर बनाने आई है, और क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। सीमा हैदर याद तो हो गई आप लोगों को क्योंकि एक चर्चित विषय रहा है, लेकिन अब इसके बाद जो है चर्चा चल चुकी है, झिंगूर सा लड़का आखिर सचिन में है क्या, लप्पू सा सचिन, इस तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं उनके पड़ोसन की तरफ से दी गई थी। आज हमारे साथ मिथिलेश भाटी जी मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका ये बयान कितना कुछ भारी पड़ रहा है। मैम, आपने जिस तरीके से बयान दिया जी, आप वो बयान इतना वायरल हो गया है कि आज मीडिया का तांता लगा हुआ है आपके यहाँ, तो सबसे पहले आप बताइए कि कैसे उन सारी चीज़ों को आप हैंडल कर रही हैं। बस कहते हैं ना, जिंदगी चले ही जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, चले ही जा रहे हैं। हम भी सुबह को उठते हैं, अगर एक कप चाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो मीडिया वाले आ जाएं। सुबह से लेकर शाम हो गई है, अब 8 समथिंग बजे आए हैं, अब भी मीडिया वाले बाइट ही दे रहे हैं। तो यही चलता है दिन भर, काम धंधा कुछ है नहीं। आशा वर्कर का काम था, वो भी हाथों से जाता दिख रहा है। और भैया इन बातों से तो पेट भरता नहीं है, पेट भरने के लिए पैसे चाहिए, नॉर्मल सी बात है, और पैसों के लिए काम जरूर चाहिए जी। लेकिन अगर बात की जाए लप्पू सा सचिन झिंगूर सा लड़का, इस तरीके के बयान देने की आपको ज़रूरत क्या आन पड़ी थी कि आज आप ही के लिए आफत मोड़ ले लिया आपने? देखिए मेरे नॉर्मल शब्द हैं, मैं गांव से रहने वाली हूँ थोड़ा, तो गांव में ये सब लप्पू झिंगूर के लकड़िया के ढांचे ये सब बोलते रहते हैं, नॉर्मल से भी बढ़ रहे हैं कि कोई ज़्यादा पतला तो उसको कह दिया, कोई ज़्यादा खा रहा है फिर भी सूख रहा है तो उसको कह दिया, ये नॉर्मल से शब्द है, इतना बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, पता नहीं, कहते ना किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाए। लेकिन अगर बात की जाए तो एपी सिंह ने, जो सीमा के वकील हैं, उन्होंने तो कानूनी कार्रवाई करने की बात कह दी है, तो अब इससे कैसे आप लड़ेंगी? कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अब भी कह रही हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो मेरे मुंह पे आया वो मैंने कहा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर सोच समझ के कोई इंसान बात करता है तो उसमें और नॉर्मल वे में कुछ भी कह देना, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। लेकिन आपका ये जो बयान था कि सचिन कहाँ उनको गर्भवती कर पाएंगे, असल में चर्चा तो इसी बात की है। वकील साहब का तो कहना है कि हम केवल इसी बयान को ज़्यादा देख रहे हैं कि वो कौन होती है बताने वाली कि सचिन गर्भवती कर पाएगा उनको या नहीं। ये बेकार की बात है, पहली बात तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। दूसरी बात, किसी को भी देखिए ये पता है वो बच्चा है, ठीक है, अभी कहते हैं एक आदमी 24-25 साल के बाद आदमियों में गिना जाता है, हमारे यहाँ पे तो यही है कि मेरे नज़र में अब भी वो बच्चा ही है छोटा। गर्भवती लड़का है, मियाँ बीवी है, जो भी है साथ रहेंगे, कोई भी है, छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, जब साथ रहेंगे तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। और मैंने कौन से वीडियो में कहा कि गर्भवती कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर वकील महोदय कुछ भी कह देंगे तो ये गलत है ना। मिस्टर एपी सिंह ऐसे नहीं अफवाह उड़ाइए गलत, थोड़ा सोच समझ के बोलिए, शब्दों का सही उपयोग कीजिए। क्या सीमा इतनी सुंदर है, क्या मिथिलेश भाभी को यही सता रहा है कि इतनी सुंदर औरत आ गई है? क्यों, सीमा के चार सिर हैं, छह हाथ पैर हैं क्या? हूर की परी अप्सरा है क्या? है सीमा में लगा तो लोगों का ताता इतना ही था, आप भी गई थी उसमें? मैं देखो नॉर्मल, हमारा बाजार भी यहीं पे है, घर भी पास में ही है,
तो घूमते फिरते जब मीडिया वाले यूं कर देते हैं ना मुंह पे माइक और हटाते हटाते थक जाओ और जब फिर भी मुंह पे से माइक ना हटे तो आपको गुस्सा आएगा, फिर कुछ भी बोलोगे सोचोगे समझोगे नहीं। मेरा भी वही ढंग था वहाँ पे कि पकड़ा ढिंगरा मस्ती, तो एक तो पड़ोस में से लेके गए कि चलो देख के आएंगे, हम भी गए मिन के भैया ऐसा क्या अजूबा है, वो तो मिली ना वीडियो वायरल हो गई हमारी। लेकिन आप ये बताइए, पाकिस्तान से वो चली आई, ठीक है, कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की पहले एक महिला हैं। अब एक महिला को दूसरी महिला का दर्द समझना चाहिए, लेकिन मिथिलेश भाटी जो कि पड़ोसन होकर के भी उनका दर्द नहीं समझ रही हैं, बल्कि उनके पति को इस तरीके से बोल रही हैं, लप्पू सा है, छछुंदर सा है, झिंगुर दिखता है, और उसके बाद सीमा के लिए भी आपने बयान दे दिया कि वो बंदरिया सी है, कुतिया की पूंछ जैसी है। पहली बात तो मैंने कुतिया की पूंछ वगैरह कुछ नहीं कहा, अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, एक महिला को महिला का दर्द बिल्कुल समझना चाहिए, लेकिन जब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक औरत घर संभालती है, पूरा परिवार संभालती है, पति का काम होता है वो कमाएगा लाएगा घर में देगा, कैसे उसे खर्च करना है, कैसे बच्चों का भविष्य बनाना है, ये सारी चीज़ें महिला देखती है। अगर यही सीन रहा तो यहाँ से तो फिर जैसे वो भाग के आई है चार बच्चों को लेके, उसका हैदर का घर बेचारे का बर्बाद करी आई, ज़मीन वगैरह जो भी कुछ लिया सब बेच ही आई, अगर वो ही बेच के अपने बच्चों के फ्यूचर में लगाती तो कितना बेहतर रहता। उसका कहना था 4 साल से मेरे पास नहीं था हैदर। बहन, हमारे यहाँ बॉर्डरों पर 10-10 साल भी हो जाते हैं, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता उनकी बीवियाँ कहीं भाग जाएँ, विधवा भी हो जाती हैं कि शादी हुई बॉर्डर पे सैनिक ख़त्म हो गया, उन्होंने ज़िंदगी ही निकाल दी, पेट में 2-4 महीने बच्चे को होते हैं शादी के बाद, उसके बाद भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी ज़िंदगियां काटती हैं। जब तेरे पास 4 बच्चे हैं, तेरे पास सब कुछ है, क्या ज़रूरत है। लेकिन वो तो कह रही उन्हें सचिन से मोहब्बत हो गई। अरे मोहब्बत गई है तैसी में, चार बच्चों के बाद भी मोहब्बत की गुंजाइश रहती है उनको, तो हो गया प्रेम तो दोबारा हो सकता है ना, ये तो आप भी मानती हैं ना मिथिलेश जी। देखिए, मैं नहीं मानती ये सारी बेकार की चीज़ें, प्यार लाइफ में सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता। उन्हें हैदर से प्यार हुआ, ठीक है, लेकिन वो कहती हैं मिस कॉल पे हुआ था, सॉरी, वो कि मुझे हैदर से प्यार नहीं हुआ। भैया, प्यार में तो दुनिया बच्चे पैदा करे, नफ़रत में कौन 4-4 बालक पैदा करे मुझे बता दो, और जब इसने नफ़रत में 4 किए हैं प्यार में कितने दर्जन करेगी। तो क्या भारत की जनसंख्या बढ़ाने आई है, बनाने आई है, मैदर बनाने आई है, और क्या होगा भैया, हमें हमारा भारत है भारत ही रहने दो, थोड़ी बनाना है यहाँ पे। अगर यही सीन रहा तो फिर आजकल बच्चों को जरूरत ही क्या है कि माँ बाप देखेंगे, शादी करवाएंगे, कोई भी जाएगा पबजी खेलेगा और बहू ले आएगा, वो भी 4-4 बच्चों वाली, तो मतलब तो उसका रीजन कहीं ना कहीं रिश्ते वैसे होंगे कि पबजी खेलो, बहुरिया बाहर से लाओ, बिल्कुल क्या हर दरगाह ना फटकरी फटक बहू आई पड़ी फटक, जैसे ऑनलाइन दूल्हा मिल जाता है उसी तरीके बहुरिया भी मिल जाए ऑनलाइन, अब पबजी और फ्री फायर पे ऑनलाइन बहू मिल रही है, बहू मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए मिथिलेश जी, आप इसको किस तरीके से देखती हैं कि भारत में समाज के सामने ये कहानी जो है सीमा हैदर और सचिन की, क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है भारत में, किस तरीके का संदेश ये फैला सकती है। देखिए, गलत है, मैंने बताया ना कि एक महिला ने इतना बड़ा गलत किया है, इससे सभी महिलाओं पे उंगली उठेगी। मेन चीज यही है कि एक औरत होके उसने गलत किया, और जबकि औरत फैमिली को परिवार को बांध के चलने वाली है, परिवार को बिखेरती नहीं है औरत। अब इसका देख के तो ये गलत ही प्रभाव पड़ेगा ना, क्योंकि आदमी कौन भरोसा करेगा। ज्योति मौर्या ने किया, उसने पढ़ाया लिखाया, वो चले गई, अंजू चले गई इसके आते ही 10 दिन बाद, तो ये गलत ही तो संदेश है। मेरा कहना ये है इस वीडियो के माध्यम से कि भैया अपने घर के बच्चों पे फोकस ज़्यादा करें, माँ बाप भी फोकस करें कि बच्चे ज़्यादा गेम ना खेलें, दूसरी बात बच्चे भी युवा पीढ़ी भी ये ध्यान रखे कि कोई क्या कह रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको नवाज वगैरह भी पढ़ाई जा रही है, मैंने भी न्यूज़ में देखा था, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हो थोड़ा गौर दें अपने घर के बच्चों पे, सीमा हैदर से फोकस हटा लें, अपने बच्चों पे फोकस करें।
लेकिन जो आपने बयान दिया है लप्पू सा, सचिन झिंगुर सा, लेकिन इसको देखा जा रहा है कि बॉडी शेमिंग से तुलना की जा रही है कि किसी के शरीर को लेकर के किसी के आचरण पर इस तरीके से किसको हक है कि वो बयान दे दे। देखिए पहले तो हम जहाँ के हैं गामन में बॉडी शेविंग फेविंग है ना जाने, हम एक ही शेविंग जाने हैं। गमार आदमी तो कहेगा दाढ़ी छिलवाने जा रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा 10वीं 11वीं वो कहेगा शेविंग करवाने जा रहा हूँ। इन दो शेविंग की तो हमें पता हो, तीसरी हमें काई की पता ही ना। और ये जो नॉर्मल वे शब्द हैं हमारे यहाँ के, ऐसा कुछ ना कि बॉडी शेविंग फेविंग का हो, हमें ना पता। हम सिर्फ झिंगूर वाला बयान जो था देवर और भौजाई वाला तो बयान नहीं था, क्योंकि अगर इस रिश्ते में देखा जाए तो इस तरीके के हंसी मजाक ठिटोली चलते रहते हैं। जी नहीं, वो हमारा देवर नहीं लगता पहली बात तो, बच्चा है, बेटा है, और दूसरी बात इतनी मजाकिया भी ना भाभी कमेंट ही मारा है बस, मजाक फजाक ना करा का इसे। अच्छा एक बार हमें वो डायलॉग सुना के बताएंगी क्या डायलॉग वो आपके थे, वो चंद लाइन बताओ अपनो नाम बताओ। आस्था। आस्था क्या है आस्था में है? लप्पू सी सकल की छोरी, झिंगुर सी लड़की, कद है ना कांटी है, वाह रिपोर्टर बनने को चली है, और घुमा फिरा के एक ही बात है बोले जा रही है कि क्या है सचिन में। तो मैं पूछना चाह रही हूँ क्या है आस्था में, कुछ है आस्था में? आस्था में मीठा पिए कर, थोड़ी हाइट बढ़ा और थोड़े शरीर भी बढ़ा, झिंगुर सी लग रही है बिल्कुल। आस्था में ये है कि मिथिलेश भाभी से आज चर्चा कर रही हैं और यही सवाल दोबारा पूछ रही हैं कि अब भाभी ने ऐसा क्यों बयान दे दिया। भैया देखिए हमारा तो तरीका ऐसा ही है बेटा, पसंद आए तो बहुत अच्छी बात, ना तो जय श्री राम। जय श्री राम, लेकिन केस तो दर्ज हो रहा है वो होने दो, वो भी देखा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हमारे साथ मिथिलेश भाटी जी थी जिन्होंने बयान दिया, वो बयान कितना वायरल हो गया, आज चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब यही बयान किस तरीके से आफत का मोड़ ले चुका है ये भी सब देख पा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्या ये बयान वाकई कानूनी कार्रवाई के दाव पेच खेलेगा या यहीं पर समाप्त होगा। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया पर, कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।